कैजुअल, बहुत उनको वैसा नहीं चाहिए बहुत। हाँ मतलब फिल्म हाय फ्रेंड्स, हम लोग टीवीसी राइज से, सॉरी टीवीसी बायनोक्यूलर्स क्लब से हम लोग आज जो है ये वीडियो बना रहे हैं। और जैसा कि लॉकडाउन में चल रहा है, बहुत सारी मजबूरियां हैं, तो हमारी भी ये एक मजबूरी है कैमरे के सामने आना, तो फाइनली हम आ ही गए। शी सो एक्साइटेड अबाउट इट। और हमने हमने प्लान किया है कि हम जो है कुछ वीडियोस निकालेंगे मूवी से रिलेटेड, सिनेमा से रिलेटेड हम बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम एक सीन के बारे में बात करेंगे, कि वो सीन एक पावरफुल सीन क्या होता है, ठीक है। और सीन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम लोग आगे बताएंगे। और वो सीन हमने लिया है लगान से। हमें एक और गेंद मिल गया। पावरफुल सीन कैसे होता है, कोई अच्छा सीन कैसे होता है, उसका पर्पस क्या है, उस सीन का पर्पस क्या है। तो अगर हम जिस सीन की बात आज कर रहे हैं वो सीन का अगर हम पर्पस देखें तो इतने सारे पर्पस है, इतना पावर पैक सीन ही है कि इसमें हमारा प्रोटागनिस्ट स्टेब्लिश होता है, इसमें हमारा एंटागोनिस्ट स्टेब्लिश होता है, इसमें हमारा सिनेमा जो पूरी फिल्म है उसका मूड स्टेब्लिश होता है, उनके उनकी साइकी स्टेब्लिश होती है, उनका बिहेवियर स्टेब्लिश होता है, ठीक है। दोनों का एटीट्यूड क्या है, अप्रोच क्या है, आउटलुक क्या है, और बहुत कम में 3-3.5 मिनट के सीन में सारा कुछ स्टेब्लिश हो जाता है। वो सीन है जब लगान का इंट्रोडक्टिव सीन है, वो हिरन वाला, जब आमिर खान उस हिरन को बचाता है, बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता है। आमिर खान का मूवी में कैरेक्टर क्या है, वो जिस तरह से चोरी चुपके से हिरन को बचा रहा है उनसे, उसी से आइडिया लग जाता है कि पूरी मूवी के अंदर उसका क्या कैरेक्टर रहेगा, कितना रिबेलियस वो होगा। और उसके पहले इंट्रोडक्शन हो गया कि हम इतिहास के कौन से टाइमलाइन पे हैं, और वहाँ का माहौल क्या था। और मैंने देखा कि जस्ट इस सीन के पहले जो सीन है वो उसमें मोर और लेस सिर्फ कचरा को छोड़ के, और वो सरदार जो सरदार वो तो पास के गांव से आता है, और कचरा जो गांव में नहीं रहता है गांव के बाहर रहता है, ठीक है। इन दोनों कैरेक्टर को छोड़ के सारे कैरेक्टर स्टेब्लिश हो चुके हैं विद देयर वर्क प्रोफाइल, ठीक है। और स्टेब्लिश कैसे किया है, एक बंदा है जो लोहार है, तो लोहा का काम करते हुए वो ब्रिटिशर्स को जाते हुए देख रहा है, उसका मूड उसका ब्रिटिशर्स को लेके जो उसकी साइकी है और उसका काम, तीनों स्टेब्लिश हो गया इस 1 सेकेंड 2 सेकेंड में, ठीक है। फिर वो बंदा जो उधर मिट्टी का काम कर रहा है चुच्ची, ठीक है, वो भी काम करते हुए उसको देख रहा है, उसकी भी साइकी स्टेब्लिश हो गई। इधर ये बंदा जो हमारा लखा है, इसका तो इतने ही सीन में स्टेब्लिश हो गया कि ये गौरी को प्यार करता है, इसका अप्रोच गौरी को लेकर कुछ अलग है जो अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब थोड़ा ये पॉसिबल विलेन हो सकता है। और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट वो करता है, जब भी उसका कैरेक्टर आता है क्या नाम है उसका, म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बदल जाते हैं। हमी मुंह ना खोले, अब तो पहन ले चूड़ी हमरे नाम की। क्यों, कुछ को चोट लगा है, लड़के काम करते हैं, जिससे स्टेब्लिश हो गया कि लड़की लकड़ी का काम करता है, प्लस चोट को लगवाया गया ताकि इसके फादर स्टेब्लिश हो जाए तो वैद्य है। तुमका हमरी नहीं बापू की जरूरत है। बापू है, लाखा के हाथ में फांस लग गई है। अभी लाखा का क्या करूं, लकड़ी कम और हाथ ज्यादा काटक। छोटे से सीन में ये सारे के सारे खिलाड़ी हमारे स्टेब्लिश हो गए, उनका मूड स्टेब्लिश हो गया, उनका आपस का रिलेशन स्टेब्लिश हो गया। दिखाने का तरीका भी है कि सारे छोटे कैरेक्टर्स को पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, सबसे लास्ट में थोड़ा माहौल बना के। और इन सब में बात होती है भुवन की, भुवन कहाँ है, बार बार रिमाइंड करा रहे हैं सीन के अंदर। पहले उसकी माँ पूछती है उससे, यही बात मैंने भुवन से कही है। कहाँ है वो, भुवन को कहीं देखा तूने, भुवन देखा कहीं, तूने देखा रे पूरा? नहीं कहीं नहीं है वो, बाद में। हमारा दिमाग तो कि भुवन कौन है, मतलब इनसे ऊपर कोई एक करेक्टर है जिसको ट्रेलर में देखा था हमने, पूरे गांव में भुवन घूम रहे, भुवन का सबको ढूंढ रहे हैं, तो इससे और एस्टेब्लिश हो जाता है कि कैरेक्टर का इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया कि भाई भुवन इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। भुवन कहाँ है, भुवन एक एक उसमें जंगल में है, और बहुत लंबा शॉट है। लंबा शॉट इसलिए लिया गया है ना कि एक टाइम फ्रेम बताया जाता है कि काफी देर से ये इस जंगल में है। पेड़ का शॉट है पहला वाइड शॉट, फिर वहां से चलते 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 आमिर खान के क्लोज पे आ जाता है उसका, और इसमें भी एक सस्पेंस का एलिमेंट डाला गया है कि ये उसको देख रहा है, इसके हाथ में पत्थर नहीं है तब तक, और गुजर उधर है, यानी कि कहीं ये शिकार तो नहीं कर रहा है, कहीं हिरन का शिकार करने आया है, अभी कंफ्यूजन है अभी थोड़ा सा। एक एक दो सेकंड के लिए ये एलिमेंट दिमाग में आता है, फिर जैसे ही वो पत्थर उठाता है तब तक ये एलिमेंट रहता है, लेकिन जब वो उसको भगाता है
उसी सेम सीन के अंदर उनका एक कन्फ्लिक्ट दिखाने का भी जरूरी था, जो कैप्टन रसल का उनका स्टार्टिंग में दिखा दिया है, जब दोनों का कॉन्वर्सेशन है, जब उसको पकड़ लेता है और वो छोड़ देता है, वहाँ पर ही एक एस्टेब्लिशमेंट दिखा दिया आगे क्या होने वाला है। मैंने सोचा ना कि अगर इस समय अगर प्रोटैगनिस्ट पकड़ा गया ठीक है, तो वो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, उसको मार देते हैं, लेकिन मारने से फिल्म ही नहीं चलेगी, फिल्म खत्म हो जाती, उसको खूब मारते, बहुत मारते, मार मार के कुत्ता बना देते, हाँ मार मार के उसका जो है, लेकिन वो भी नहीं हुआ ठीक है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्टर मतलब इतना इंटेलिजेंट डिसीजन होगा ये कि उसको एस्टेब्लिश करना था कि ये एक तो ये हिरन को मार रहा है, मतलब एक इनोसेंट एनिमल है जो माना जाता है उसको मार रहा है, मतलब ये तो क्रूएल है, तो उसकी क्रुएल्टी तो उससे एस्टेब्लिश हो गई। आमिर खान उसको बचा रहा है, ये बेनेवोलेंट है और दूसरों के लिए दूसरों को हेल्प करना चाहता है, एस्टेब्लिश हो गया। इसके पास पत्थर है, उसके पास बंदूक है, हमारा प्रोटैगनिस्ट करेजियस है ठीक है। इसके पहले उसको सब लोग पूछ रहे हैं कि भुवन का है, भुवन का है, इसका मतलब कि हमारा प्रोटैगनिस्ट डिजायरेबल है, डिफरेंट है, मतलब अलग है, हाँ डिफरेंट है, मतलब उसको डिजायर करते हैं ठीक है। अब उसने क्या किया कि ये हिरन को बचा रहा था, एक इनोसेंट एनिमल को बचा रहा था, वो एक इनोसेंट एनिमल को मार रहा था। अब ये जब दोनों का एनकाउंटर होता है तो वो क्या करता है कि वो ना इसको मारता है ना कोई हार्म पहुंचाता है, वो कहाँ अटैक करता है, इसकी साइकी पे ठीक है। साइकी पे कैसे अटैक करता है कि हिरन से भी इनोसेंट एनिमल पकड़ लेता है, पहले उसको खड़ा करता है। और जो पहला इंट्रक्शन वन टू वन फेज का जो इंट्रक्शन है, अगर उसमें शॉर्ट देखा जाए तो वर्सल क्लोजअप शॉट में है, यानी कि इसका पावर ज्यादा है, और वो मिड शॉट में है। पहला जो आमिर खान और रशल का जो इनकाउंटर है, फर्स्ट इनकाउंटर, वो इस तरीके से कैमरे में है कि ये क्लोजअप में और वो मिड शॉट में, मतलब तो उसका उसका जो पावर है, वालों का भी जो कैरेक्टर है बार बार एस्टेब्लिश करा है, जैसे कि जब वो चैलेंज कर देता है, चैलेंज आमिर खान कर लेता है, एक्सेप्ट भुवन एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद गाँव जाने के बाद जब वो के सामने बता रहा है तो सब उसको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं और अपने काम करने में चले जा रहे हैं। ऐसे वो मुस्लिम कैरेक्टर है, वो उसको मना करता है, वो जाके वो अपना काम करने लगता है, जो भी वो लकड़ी का काम कर रहा है वो कर रहा है। तो गांव वालों का कैरेक्टर भी बार बार एस्टेब्लिश किया गया है। फिर उसके बाद ये कहता है कि मतलब हिरन से भी इनोसेंट एनिमल कौन सा हो सकता है, डायरेक्टर ने सोचा होगा, राइटर ने, जो जंगल में पाया जाएगा तो पपी हो सकते हैं, पपी लेकिन जंगल में पाया नहीं जा सकते हैं, तो खरगोश उन्होंने किया, खरगोश ही हो सकता है जो इनोसेंट भी होगा, हिरन से भी छोटा सा क्यूट सा, वो उसकी साइकी पे अटैक करता है कि अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं उससे भी बुरा कर दूंगा ठीक है। तुम्हारा जो एक वो है, मन है छोटा मोटा या प्राउड जो भी है, प्राइड जो तुमको बचाने का है, उस प्राइड पे मैं अटैक करूंगा। वो जो प्राइड है उसकी, वो बाद में वो चीज उसकी बाद में आती है कि दो गुना लगान से वो मैच जीतने पे तीन गुना कर देता है। अगर ये अभी मारता ना, इसको मार मार के ऐसी तैसी कर देते अगर ठीक है, और बाद में वो क्रिकेट खेलता तो वो जस्टिफाइड नहीं था। वो क्रिकेट खेलता है वहाँ जस्टिफाइड कर देगा कि ये बंदा ऐसा है जो साइकी पर अटैक करता है, जो आपको अंदर से तोड़ना चाहता है। इसका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टराइजेशन है, वो ये है। कि सेम फिल्म ऐसे चलती है कि भुवन अपने गांव वालों को बचाना चाहता है जो हिरन की तरह है ठीक है, हाँ, ठीक है। तो लड़ाई है, वो जो ब्रिटिशर्स है जिनके पास फौज है, जिनके पास बंदूकें हैं, जिनके पास पावर है ठीक है। पूरी फिल्म में ये लड़ाई करके नहीं बचाता है, बल्कि क्रिकेट खेल के बचाता है। और क्रिकेट खेल के इसलिए बचाता है क्योंकि रसल जो हमारा एंटागोनिस्ट है, वो चाहता है कि क्रिकेट खेले ताकि मैं इसको वहां हर्ट करूं जहां पे इसने मुझे हर्ट करने की कोशिश की थी शुरुआत में। क्यों सैम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा फेवरेट सीन किस मूवी से कौन सा है? फेवरेट सीन बारिश वाला एक जो सीन है वो बहुत पहला सीन या फिर लास्ट सीन नहीं, जब वो घनन जब वो धीरे घन वो एक काफी एनर्जेटिक और वैसा सा सीन है, मतलब इतने टाइम से वो वेट कर रहा है। हां ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, और जब वो जो जब वो बारिश लास्ट में होती है ना, जब वो बारिश लास्ट में होती है, जब मैच जीत गए होते हैं, तो वो एकदम पूरी मूवी कंप्लीट टाइप हो जाती है। मतलब अभी हम वो डिस्कस कर रहे थे जो पहला सीन है, जिसके अंदर एक आदमी जाता है कि वो क्या कहते हैं, घूंगा ढोल बजाने लगता है और बारिश होगी फिर होती नहीं है, इशारा करता है और वो चीज बारिश नहीं होती है, और वो अंदर से कितने दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और कोचने जो भी होता है, उसके बाद फिर वो लास्ट में जब मैच जीत जाते हैं, वो कंप्लीट कर देते हैं पूरी सीन को, मतलब पूरी मूवी कंप्लीट हो जाती है वहाँ पे जब वो बारिश हो जाती है।
कि लगान भी हो गया, लगान माफ हो गया, मैच जीत गए, अंग्रेज चले गए और बारिश भी आ गई। मतलब किसी ने कहा था कि एक फिल्म ऐसी होती है कि फिल्म खत्म होने के बाद दूसरी फिल्म ना बने उस पर। कुछ नहीं है कि कोई दूसरा डायरेक्टर उठे और ये कहे कि नहीं चलो बारिश तो हुई नहीं थी तो बारिश करा के फिल्म बना, वो भी रूल आउट कर दिया कि नहीं वो भी नहीं कर सकेंगे। आपका फेवरेट सीन कौन सा है मूवी से? मूवी से मेरा फेवरेट सीन तो यही है, पहला सीन हिरन वाला। लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलो, लाइक। अच्छा बोलो चेकोस्लोवाकिया, ना ना लाइक शेयर, लाइक शेयर, ये कंटेंट था नहीं, तुम्हें लगा कि तुम स्मार्ट प्ले कर रहे हो बट हम तुमसे ज्यादा स्मार्ट प्ले कर गए।